हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 ज्योग्राफी का, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिस पे हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते। आज मानो जो है भौतिकतावाद के जीवन में अपने ही जिंदगी में व्यस्त है, हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि इसके अलावा भी एक दुनिया है जिसको हम लोग बोलते हैं वन एवं वन्य जीव, जिसके बारे में हम लोग ज़्यादा कुछ सोचते ही नहीं हैं। समझ लीजिए ऐसे कि जैसे हम लोग रहते हैं उन्हीं लोग के साथ, जैसे सूक्ष्म जीव, जीव जंतु, कीटाणु, बैक्टीरिया, जो से लेकर बड़े बड़े पेड़ पौधे और व्हेल मछली जितने भी हैं, ये सब इसके साथ हम लोग कहीं ना कहीं मिलकर रहते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन पे अपना असर डालते हैं। और यही मानव जो है और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र से मिले हुए और इसका निर्माण करते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीवन जीव, वन्य जीव प्राणी जगत और इसका जो अस्तित्व है सम्मिलित रूप से कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को स्वस्थ बनाता है। इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी करते हैं। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का मतलब यही है, पेड़ पौधा जीव जंतुओं का एक अपना संसार। कहीं ना कहीं मानव इनका प्रयोग करता ही है। जैसे मान लीजिए हम लोग जीने के लिए हवा का प्रयोग करते हैं, पानी पीने के लिए करते हैं, और वो स्थान जहाँ हम लोग रहते हैं जिस मिट्टी पे फसल उगता है, कहीं ना कहीं ये हमें वन पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। तो ये जो पेड़ पौधे हैं ये वन पारिस्थितिकी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। तो ये था पेड़ पौधों के बारे में। अब ये पूरा चैप्टर हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अब देख लीजिए कि भारत में जो वनस्पति जात है और प्राणी जगत है, इसमें आप अगर नज़र दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके आसपास ही बहुत से जीव जंतु पेड़ पौधे मिल जाएंगे। अगर वास्तव में बात करें भारत की, तो पूरे विश्व का लगभग 8% भाग उपजातियाँ पाई जाती है पेड़ पौधे और जीव जंतु का। लगभग 16 लाख प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें यहाँ पे फ्लोरा और फौना। फ्लोरा मतलब पौधे, जिसमें 47,000 प्रजातियाँ पाई जाती है, जिसमें 15,000 ऐसी प्रजातियाँ हैं जो पुष्प देती है। और इस 47,000 का लगभग 10% जो वाइल्ड यानी कि जंगली पेड़ पौधे वो विलुप्त के कगार पर है, इस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया है। और वन्य जीव प्राणी जगत में देखें तो 81,000 स्पीसीज जातियाँ पाई जाती है, जिसमें 20% मैमल्स हैं, 79% जीव जंतु पाए जाते हैं, और 44 प्रकार के जो पक्षी है वो है, साथ ही साथ सरीसृप भी है, रेप्टाइल है जो 15 जातियाँ पाई जाती है, उभयचर प्राणी भी है। तो इतनी विविधता हमारे देश में पाई जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने जीवन में आधुनिक के दौर में लगातार हम लोग अपने में ही खोए रहते हैं और इन पेड़ पौधे जीव जंतुओं के बारे में हम लोग ज़्यादा सोचते ही नहीं हैं, जिसका परिणाम ये है कि बहुत सी पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की जो प्रजातियाँ हैं विलुप्ति के कगार पर पहुँच गई है। हम लोग को जो भी दवा हुआ बनाना हो या बहुत से ऐसे हमारे मनुष्य के जीवन में आने वाले वस्तुएं हैं, कहीं ना कहीं ये हमें इन्हीं चीज़ों से मिलता है। अगर आने वाले टाइम में हम लोग पेड़ पौधे जीव जंतुओं का ख्याल नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन पर भी प्रभाव डालेगा। अब इसमें देखिए, भारत में क्या है कि वनस्पति जात लगभग 10%, साथ ही साथ स्तनधारी जीव लगभग 20% लुप्त होने के कगार पर पहुंच गया है। उसी में देखिए, इसमें कौन, जैसे चीता है, गुलाबी सिर वाला बत्तख है, पहाड़ी कोयल है, और बहुत तरह के घास है जो विलुप्ति के कगार पर है। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं लुप्त होने वाले वन। तो लुप्त बहुत ही आज के समय में लगातार घर बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, मानव अपने विकास के लिए नित्य नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है, लेकिन पर्यावरण को नज़रअंदाज करके। कारण क्या है कि पर्यावरण में जितने भी ये बदलाव आ रहे हैं कहीं ना कहीं मानव को इफेक्ट कर रहा है। हमारा जो वन आवरण है
79.42 मिलियन हेक्टेयर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.16% है। अब इसको भी हम लोग बांट दिए तो सघन जो वन है लगभग 12.2% है, खुला वन है 9.4% और मैग्रोव वन है 0.14%। ये आंकड़ा कहाँ से लिया गया है? तो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015। प्रत्येक दो साल में हम लोग इसका इस आंकड़े का रिवीजन होता है, प्रत्येक दो साल में स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी होता है। तो ये था आज का पहला भाग। नेक्स्ट भाग में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी जो जीव हैं वो विलुप्ति के कगार पे हैं, कौन संरक्षण कैसे उनका संरक्षण करें।